निवेदन मैं आपसे करना चाहूं। धरती पर वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसको कोई आज्ञा देने वाला है। आप समझ रहे मेरी बात को? आपके घर में यदि कोई आपको आज्ञा देने वाला है तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। और यदि ऐसा कोई है तो एक स्वभाव बने जीवन में, हम कोई भी व्यवहार करें तो अपने श्रेष्ठ से पूछ पूछ कर करें, हमारा जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है। ये करके देखिएगा। मेरे रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वस्व हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान जब मानव स्वरूप में अवतार लेकर लीला में आगे बढ़े तो आप अवलोकन करेंगे, भगवान बिना श्रेष्ठ से पूछे कोई कार्य नहीं करते। जब भरद्वाज जी के पास पहुंचे तो उनसे प्रभु ने प्रश्न किया, मुनिवर नाथ कहिया हम के ही मग जाहि। भरद्वाज जी से पूछा, प्रभु आप कहिए हम किस मार्ग पर जाएं। भरद्वाज जी ने दिशा निर्देशन किया, वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे। अब इनसे राम जी पूछते हैं, मुनिवर आप कहिए हम कहां रहे 14 वर्ष। ये भगवान का चरित्र है, पूछने का स्वभाव बनाइए। श्रेष्ठ से पूछ कर किए गए व्यवहार से सबसे पहला जो कार्य होता है, हमारे द्वारा अपने श्रेष्ठ का आदर होता है, और यही सबसे बड़ी पूंजी है। घर में यदि 90 वर्ष के आपके पिता हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, करना आप ही को है, वो क्या करेंगे। परंतु जब एक बार जाकर आप उनसे पूछेंगे कि बाबूजी हम ऐसा करना चाहते हैं, तो उनके आपके पूछने से उनके हृदय को जो सुख प्राप्त होगा और उसका प्रभाव जो उनके शरीर पर पड़ेगा, वो दुनिया की कोई दवाई नहीं कर सकती प्रभाव। उनको ये अनुभव होगा कि इस अवस्था में भी मेरी संतान की दृष्टि में मेरा कोई मूल्य है, वो मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करता है, यही श्रेष्ठ आचरण है। भगवान चित्रकूट में आए, देवता पहले से कुटिया बना करके गए हैं, एक बड़ी कुटिया एक छोटी कुटिया। राम जी आए, देवता मिले, दिग्पाल देवता नाग किन्नर सब प्रणाम करके गए। इनके बाद चित्रकूट के आसपास के ऋषि मुनि थे, वो आए। प्रभु ने सबको दंडवत किया है, आशीर्वाद देकर अपने जीवन को आंखों को धन्य करके ऋषि मुनि भी गए। अब दर्शन करिए, ऋषि मुनियों के जाने के बाद जो वन के कोल भील थे वनवासी लोग, वो रघुनाथ जी के पास आए। और हम तो कभी कभी सरकार सोचते हैं कि वो वन में रहने वाले कोल भील हम लोगों से कितना अधिक भाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया हो। हम लोग उनके पांव की धूल के भी बराबर नहीं है। आपको बताऊं, एक 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 रामायण के अनुसार, एक अन्य रामायण संभवतः आनंद रामायण या अध्यात्म रामायण का प्रसंग है। भगवान जब विवाह करके अयोध्या पहुंचे हैं, विवाह कह रहे हो, रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान जब मैया और भैया के साथ श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं, तो सबने अयोध्या अवधवासियों ने भगवान का मैया का दर्शन किया। मिथिलावासी बेचैन हो गए, क्यों? प्रभु वापस आ गए, अवधवासियों ने दर्शन कर लिया, हम अब तक दर्शन नहीं कर पाए। तो मिथिलावासियों ने सरकार अयोध्या राम जी के पास पत्र भेजा कि हे दुल्हा सरकार, हम अपनी बहिनी जी को और आपको देखना चाहते हैं, तो कृपा करके एक बार आप मिथिला आ जाइए ना,
तो कहते हैं कि जिस प्रकार बरात के समय राम जी साज सज्जा के साथ मिथिला गए थे, उसी प्रकार साज सज्जा सजाकर दोबारा फिर मिथिला पहुंचे। मानो बरात गई हो भगवान की। और जब राम जी पहुंचे हैं वहां पर, चारों दुल्हा सरकार बैठे हैं, चारों दुल्हिन महारानी बैठी हैं, सखियों ने घेर करके, और सखियां कहने लगी, अरे जैसन पहुना हमारो इसन के करा कही, जैसन जीजा हमारो इसन हम के करा कही, नईख के हुती न लोक चौदह भुवन में, नईख के चौदह भुवन में, दोबरी बरोबरी न पसंहा न कण में, दोबरी बरोबरी न पसंहा न कण में, मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही, जैसन जी जा हमारो सन के करार। मिथिलावासी कहते, प्रभु वो बन के लोग कितने बड़भागी होंगे, कपटी कुराही कोल भी लबनवासी, कपटी कुराही कोल भी लबनवासी, सब हो गई ले हरिजन सिया राम के उपासी, हो गई हरिजन सिया राम के उपासी। राम जी जहां जहां से गुजरे कहे लगलन कि ए बबुआ रही जा यही, जैसन पहुना हमारो जैसन जी जा के करा। कितने बड़भागी होंगे वो कुल भील जिन्होंने अपनी आंखों से साक्षात मेरे भगवान का दर्शन किया होगा। कुल भील आए भगवान के सामने बैठ गए। कुल भीलों का सरदार खड़ा होकर कहता है, राम जी हम एक बात कहना चाहते हैं। राम जी वो धरती धन्य होगी जहां पर आपने जन्म लिया होगा। राम जी वो वृक्ष धन्य होगा जिस वृक्ष के नीचे आपने रात्रि में विश्राम किया होगा। वो नदी धन्य होंगे जहां पर आपने स्नान किया होगा। और प्रभु एक बात और हृदय में आ रहा है, आज हम सब धन्य हो गए, हमने अपनी आंखों से आपका दर्शन जो प्राप्त कर लिया, हमने बहुत देखा है लेकिन आप जैसा स्वरूप कभी नहीं देखा है। एक बात कहें, आप यहां डरिएगा बिल्कुल मत, हम नित्य आपको वन में घुमाएंगे। इस वन का एक एक पग हमारा देखा हुआ है। हम घुमाएंगे तो आपको सांप से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे, बाघ से बचाएंगे, एक ने कहा हाथियों बोल दो, बोला हाथी से भी बचा लेंगे आपको, डरिएगा बिल्कुल मत। एक और हम बात कहें, आप अपना परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं, हम योग्य तो नहीं हैं, लेकिन कहना चाहते हैं प्रभु आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार समझ लीजिएगा, और कोई भी आज्ञा देनी हो तो संकोच मत करिएगा। हम सेवक परिवार समेता कहते, हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है, अपनों को कोई बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए।
इसलिए हे प्रभु, कोई भी आज्ञा देनी हो आप निसंकोच आज्ञा करिएगा। कोल भील कह रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहां पर किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से प्रश्न किया, आप कह क्या रहे हैं? जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, वेद वचन मुनि मन, जो भगवान मुनियों के मनन करने से बाहर है, मुनि मन अगम, वो करुणा के भंडार राघव जी इन कोल भीलों की बात को उसी प्रकार सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को श्रवण करता है। और आपको एकदम व्यवहारिक स्तर पर लेके चलूं, छोटा बेटा जब घर में बाबूजी से कहता है, पिताजी आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन चिंता न करिएगा, जब आपका बेटा कमाने लगेगा तो मैं आपको मेहनत नहीं करने दूंगा, तब आप आराम किया करिएगा। उस समय उस पिता के हृदय को जो सुख होगा वही सुख मेरे रघुनाथ जी को प्राप्त हो रहा है। जब ये कोल भील कह रहे, प्रभु डरिएगा मत, हम आपको रोज घुमाएंगे वन में।